आगरा में इंटरनेशनल स्तर का श्री धनपत राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल राय साहब काउंसलिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि 4 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन से एफिलेटेड चेस एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा यह चेस फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर लोहा मंडी रोड स्थित अग्रसेन भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। चेस के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन ताजनगरी में होने जा रहा है। चेस फेस्टिवल 2024 के आयोजन को लेकर लोहा मंडी रोड स्थित अग्रसेन भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान इस आयोजन से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। देखिए, आयोजन पूरा भव्य आयोजन तो हो ही रहा है। ये चेस फेस्टिवल, जैसा कि हमने बताया कि इतने बड़े लेवल पे होने जा रहा है, इसमें 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स खेल रहे हैं, जिसमें कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि इंडिया के बाहर के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। 6 कंट्रीज़ के टोटल पार्टिसिपेंट्स इसमें खेल रहे हैं और इसका प्राइज फंड 26,57,000 रुपये है पूरे चेस फेस्टिवल का। तो ये आयोजन तो बहुत भव्य होने जा रहा है, इसमें हमारे को पूरा सहयोग मिला है। पार्टिसिपेशन की प्रक्रिया में हमने गूगल फॉर्म्स सबको ऑनलाइन दिए थे, जो गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते थे। सभी रेटिंग के प्लेयर्स इसमें खेल सकते हैं, जिसकी रेटिंग नहीं है वो भी इसमें खेल सकता है अपनी रेटिंग पाने के लिए। 2 कैटेगरी में ये टूर्नामेंट हो रहा है। पहली कैटेगरी में कोई रेटिंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ओपन टूर्नामेंट जो 4 तारीख से शुरू हो रहा है उसकी क्लोज हो चुकी है। जो 9 तारीख से दूसरे कैटेगरी में शुरू हो रहा है उसकी 7 तारीख को क्लोज होगी। प्रेसवार्ता में बताया गया कि फेस्टिवल में भारत देश सहित कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आयोजन है, जिसमें 1000 से ज्यादा प्रतिस्पर्धियों की सहभागिता अपेक्षित है। देखिए, एक आगरा के लिए एक भव्य आयोजन है शतरंज खिलाड़ियों के लिए और शतरंज प्रेमियों के लिए। इसमें हमने टोटल 26 लाख से ऊपर प्राइज रखे हैं और जो फर्स्ट आएगा उसको 1,11,000 का है। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह 4,000-5,000 रुपये कम करके दिए जाएंगे। हर कैटेगरी में प्राइज है, अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, वुमेन कैटेगरी, वेटरन कटनी कैटेगरी सब में है। प्रयास यही किया गया है कि आगरा में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं वो प्लेयर्स को प्रोवाइड की जाएं, जिससे वो अपना सर्वश्रेष्ठ खेल यहाँ पर दे सकें। और आगरा जिला ओलंपिक संघ के सचिव के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी खेल संघ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ें, जिससे हम लोग एक ऐतिहासिक आयोजन आगरा में कर पाएँ और यहाँ पर जो खिलाड़ी आएँ वो आगरा की बहुत अच्छी मेमोरीज़ अपने साथ लेकर जाएँ और आगरा के बच्चे जो चेस सीख रहे हैं उनको देखने का बहुत बड़ा लाभ है। यहाँ वो इंटरेक्ट भी कर पाएंगे बड़े बड़े खिलाड़ियों से, तो देखने से, खेलने से और मिलने से जो एक लाभ आगरा के खिलाड़ियों को और आगरा को होगा वो ये बहुत बड़ा लाभ है। मैं टूर्नामेंट आयोजकों ने बताया कि चेस फेस्टिवल का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा किया जाएगा। प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में ये ओपन टूर्नामेंट 4 अगस्त से 8 अगस्त एवं 9 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पे आपको कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्लेयर्स आते हैं खेलने, जो लोअर रेटेड प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा रेटिंग गेन करने के लिए या फिर प्राइजेस के लिए खेलते हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छी फाइट होती है, है ना। तो मुकाबले आपको अच्छे मिलेंगे। जो हमारा 4 घंटे का गेम है, जो एक्चुअल जो हम टाइम कहते हैं, तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी गेम चल जाए, कभी 6 घंटे 5 घंटे भी गेम चल सकता है अगर मुकाबला कड़ा हुआ तो। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार राशि 26,57,000 रखी गई है। साथ ही पंजीकरण के लिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराई गई है। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।